स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट और ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैयरमेंट विच इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस लेवल ऑफ मैयरमेंट हम आ, जो है सोशल साइंस रिसर्च में जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल जो है आ, इस लेवल पे मैयर करें उसकी क्या रीज़न है कि जो है जब आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं

वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन अ क्वांटिटेटिव शेप और इन अ नमेरिकल शेप एंड देर इज नो डिफाइंड रिस्पॉन्स कैटेगरीज आप जो है uh, जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज डिफाइन नहीं करते बल्कि यू ट्राई टू माइर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द रिस्पांडेंट आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं अपने वेरिएबल के ऊपर uh, जो कि आपका रिस्पॉन्डेंट है जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि जैसे हमने इंटरवल वे लेवल पे एज को मैयर किया था तो हमने उसकी रिस्पांस कैटेगरीज बना दी थी, थी, थी चार पांच। तो जब हम उसको कॉन्टीन्यूस लेवल पे मैयर करेंगे तो कॉन्टीन्यूस लेवल पर हम इन इनकम्प्लीट ईयर अपने रिस्पोंडेंट से पूछेंगे कि एग्जैक्टली राइट एज इन कम्प्लीटेड ईयर कोई उस पर ट्वेंटी एट बताएगा कोई थर्टी फाइव बताएगा कोई फोर्टी टू बताएगा तो हमारे पास एग्जैक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड वैल्यूज़ कैन बी मईड ऑन अ कंटिन्यूम तो जो आपका कॉन्टीन्यूस लेवल का वेरिएबल होता है उसमें इन कंटिन्यूम आपके पास वैल्यूज़ होती है जैसे कि एज है तो इट्स फ्रॉम द जीरो टू टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी कंट्री इसी तरह जी है तो वो ज़ीरो टू फोर होगा इसी तरह आपकी मंथली इनकम की वैल्यूज़ होंगी इन वन कॉन्टीन्यूम फ्रॉम अरनिंग वन रुपीज़ टू अर्निंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड रुपीज़ तो इट डिपेंड्स कि आपके वेरिएबल की जो है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो uh, मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी होंगे जिसको हम नॉमिनल uh, ऑर्डिनल और इंटरवल uh, लेवल के साथ साथ कॉन्टीन्यूस लेवल पर भी मैयर कर सकेंगे जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एज की तो एज को हम जो है वो ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्डिनल लेवल पे कि जैसे अगर हम इसी को क्लासिफाई करें ऑर्डिनल लेवल पे तो हम कह सकते हैं चाइल्ड यंग एडल्ट ओल्ड एडल्ट एल्डरली पर्सन तो ये हम एज को मैयर कर रहे हैं विद क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट एट एन ऑर्डिनल लेवल अब अगर हम इसी को इंटरवल लेवल से मैयर करें तो जैसे हमने पहले देखा है कि हम जीरो टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी वन टू सिक्सटी इसकी सिक्सटी वन टू सेवेंटी एंड सो ऑन सो ऑन हम इसकी कैटेगरीज बना दें तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये इंटरवल वेरिएबल है मगर अगर हम एज रिस्पोंडेंट uh, से पूछें कि व्हाट इज योर एज और उससे पूछें और वो बताए कि मेरी एज अट्ठाईस साल है बयालीस साल है सैंतीस साल है यानी वो उसकी एग्जैक्ट एज नोट डाउन करें तो फिर ये वेरिएबल जो है वो कॉन्टीन्यूस इन नेचर है यानी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही है इसी तरह इसकी अगर और एग्ज़ाम्पल देखें तो आई क्यू लेवल है इसकी एग्जाम्पल वेट इसकी एग्जाम्पल है जिसमें हम ऑन अ कॉन्टीन मैर कर सकते हैं जी है इसकी एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है आप एग्जैक्टली uh, exactly पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं आपका जी क्या है बजाय के उसको क्लासेस में मैयर करें बजाय के उसको जो है हम जो है ऑर्जिनल लेवल पे मैयर करें तो जिन वेरिएबल्स को हम मैयर कर सकते हैं कॉन्टीन्यूस लेवल पे तो कोशिश वैसे एज आ सोशल साइंटिस्ट मैं ये समझता हूँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको आ, मैयर करें आ, जो है कंटीनीस लेवल पे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम कंटीन्यूस लेवल पे मैयर नहीं कर सकते जैसा कि जेंडर का वेरिएबल है इसको हम नॉमिनल से ऊपर नहीं मैयर कर सकते रिलीजन का वेरिएबल है तो ये भी सिर्फ नॉमिनल लेवल पे ही मैयर हो सकता है एथनिसटी है तो ये भी जो है नेशनैलिटी है तो इसको सिर्फ़ हम इस तरह और भी वेरिएबल्स होंगे जिसको सिर्फ़ हम जो है मैर uh, कर सकते हैं ऑन नॉमिनल लेवल मगर जब इससे आगे देखते हैं तो एजुकेशन को ईयर्स ऑफ एजुकेशन में मैर किया जा सकता है प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्डिनल मैर किया जा सकता है और एग्जैक्ट ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड एजुकेशन भी पूछे जा सकते हैं तो ये हमने इस uh, जो है मॉड्यूल में देखा कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जो है या कॉन्टीन्यूस लेवल ऑफ मैरमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है इंटरवल लेवल से ऑर्डिनल लेवल से और नॉमिनल लेवल से और इसके जो है हम जब इसको यूज़ करते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्टीन्यूस लेवल ऑफ वेरिएबल में एक और चीज़ होती है uh, जिसको आपका जानना ज़रूरी है वो ज़ीरो इन सम केसेस वी अज्यूम ज़ीरो एंड इन सम केसेस वी हैव ट्रू ज़ीरो जैसे कि एज है एज में जो आपका ज़ीरो है वो ट्रू ज़ीरो है और अगर हम बात करें आई क्यू लेवल की तो आई क्यू लेवल में जो ज़ीरो है वो अज्यूम्ड ज़ीरो है इसी तरह अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन में अगर हम जीरो लिख रहे हैं कि अगर किसी का कोई बच्चा नहीं है तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे तो ये एक ट्रू ज़ीरो है और अगर हम देखें वेट अगर हम वेट में ज़ीरो लेते हैं तो वो एक अज्यूम्ड ज़ीरो है अब हम तो एटम का भी कुछ ना कुछ वेट होता है न्यूक्लियस का भी कुछ ना कुछ वेट होता है तो हम जब कहते हैं कोई चीज़ वेट लेस है उसका वेट जीरो है तो एक्चुअली वो एक अज्यूम्ड सिचुएशन है जैसे कि टेम्परेचर का हम कहते हैं कि वेट जीरो है तो वो भी एक अज्यूम्ब सिचुएशन है तो इसकी बेसिस पे भी हम देखते हैं कुछ आगे वेरिएबल्स को एडवास्ड डिस्टिकल अनालिस में कि किस में ट्रू है किस में ज्यूम है तो अभी बेसिक भी एस लेवल पर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस लेवल में कुछ वेरिएबल्स में ट्रू जीरोज़ होते हैं और कुछ वेरिएबल्स में अज्यूम्ड ज़ीरोज़ होते हैं तो इस तरह हमारा ये जो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट का ये जो मॉड्यूल है ये कंप्लीट होता है uh, कि हमने चारों लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिए हैं नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड कॉन्टीन्यूस